दोस्तों, आभा कार्ड के बारे में अब तो आपने जरूर सुना होगा। इसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, साथ में हेल्थ आईडी भी कहा जाता है, तो लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। और ये अब आज के समय में बहुत आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि यह एक डिजिटल आईडी होती है जिसमें हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई जानकारियाँ इसमें ऐड होती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपना हेल्थ आईडी या फिर आभा कार्ड बना सकते हैं अपने मोबाइल से, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इसको बनाने से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और इसको किस प्रकार से आप ऑनलाइन बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आभा कार्ड बनाने के फ़ायदे क्या हैं। आभा कार्ड एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है हमारे हेल्थ का, यानी कि हम जो भी इलाज करवाते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी होती है और हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जो भी इलाज होता है, किन किन दवाइयों का प्रयोग हुआ है, क्या क्या इलाज हुआ है, कौन सी बीमारी थी, वो सारा रिकॉर्ड जो है डिजिटल रूप में इस कार्ड के अंदर में सेव किया जाता है। तो ये एक भारत सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत अगर आप इलाज करवाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो पूरा आपका जो डिटेल होती है, जो फाइल्स होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर कई बड़ी बड़ी फाइल्स बनती हैं, कई पन्नों की फाइल्स होती हैं, जिनमें कि दवाइयों की डिटेल होती है और बीमारी की पूरी डिटेल होती है, कई रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो सारी डिटेल जो है उन फाइल्स में होती है। तो उसी को इस कार्ड के माध्यम से डिजिटल बनाया जा रहा है, जिसमें कि सभी रिपोर्ट्स को डिजिटल रूप में सेव किया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें कि अभी ये सरकार की एक और जो योजना है आयुष्मान कार्ड, यानी कि गोल्डन कार्ड, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये साल का इलाज होता है प्रति व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का, तो उस कार्ड का उपयोग करने के लिए भी आपको इस हेल्थ कार्ड का या फिर आभा कार्ड का होना आवश्यक है। आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे अपना गोल्डन कार्ड लेकर इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपसे आभा कार्ड या फिर आभा नंबर भी मांगा जाएगा, और ये भी आपको देना पड़ेगा, तभी आपका इलाज होगा। क्योंकि ये जैसे अस्पताल में आप पर्ची बनवाते हैं, तो उसकी जगह पर ये काम करेगा नंबर, तो इसलिए ये आवश्यक है कि आपका उस कार्ड का यूज़ करने के लिए इस कार्ड को भी बनवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप कोई परेशानी में ना पड़े, उससे पहले ज़रूरी है कि आप इस कार्ड को बना के रख लें, ताकि ज़रूरत पर आपको काम दे। मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे बना सकते हैं मोबाइल से। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में या फिर पीसी में अपना ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेना है। मैं अभी फ़ोन में बना के दिखा रहा हूँ, मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और यहाँ पर टाइप करेंगे आभा कार्ड। ये मैंने आभा कार्ड टाइप किया, इसको सर्च करते हैं। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर ही इसकी वेबसाइट आ गई है, इस पर क्लिक कर देंगे। आभा नंबर जो लिखा हुआ है, और healthid.ndhm.gov.in, इसी पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं लिखा हुआ क्रिएट आभा नंबर, और नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव आभा नंबर, यानी कि अगर आपके पास है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लॉगिन करेंगे, और अगर बनाना है तो फिर क्रिएट आभा नंबर इस पर क्लिक करना है। तो अभी मैं अपना नया आभा कार्ड बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए क्रिएट आभा नंबर इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देख सकते हैं ओपन हो गया है। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, एक आधार नंबर का यूज करके और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं फिलहाल आधार नंबर से बनाने जा रहा हूँ, तो यूजिंग आधार इस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं नया पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल लिया है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आई एग्री लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इसको एंटर करना है। तो इसमें 38+23 लिखा हुआ है, तो टोटल जितना होता है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। ये मैंने टोटल कर दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं ओटीपी आ गया है, तो अभी मैं ओटीपी फिल करूँगा। ये ओटीपी आ गया है, आधार नंबर से लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आया हुआ है, तो मैं ओटीपी डाल के फिर दिखाता हूँ। मैंने ओटीपी फिल कर लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं मेरा कार्ड बन चुका है, योर आभा नंबर कार्ड, ये बन के आ गया है। अब यहाँ पर आप इसके अलावा भी कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि योर आभा नंबर कार्ड हो गया, एडिट डिटेल, अगर आपकी कोई डिटेल गलत है तो उसे आप सही भी कर सकते हैं, और अपडेट ईमेल एड्रेस, अगर आपका ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, और री केवाईसी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कार्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपना आभा कार्ड बना सकते हैं, बिना कहीं भी जाए हुए, घर बैठे, सिर्फ आधार नंबर से और ओटीपी से। और ज़रूरी है कि आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर लगा होगा तभी ओटीपी आएगा। अब मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, तो डाउनलोड आभा कार्ड इस पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं डाउनलोड हो गया, ओपन करके दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से अपना आभा कार्ड बना सकते हैं, बिना कहीं जाए हुए, घर बैठे। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।